इसमें आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मेरे 17 वार्ड हैं, हमारे जितने म्यूनसिपल काउंसिल के 17 वार्ड हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी जो है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरे वार्डों की सफाई करते हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोग 9 बजे के बाद उठते हैं और बाजार में कूड़ा डाल देते हैं। तामीराती का मुखी है, भरमार घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप जोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है होलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए होलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तियाब हैं। होलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबर पर रब्ता करें 7006820070 9906763071। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त टावर हॉल डोडा में मौजूद हूँ। म्यूनसिपल काउंसिल डोडा की जानिब से आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था सफाई कर्मचारियों के हवाले से, जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए हुए थे उन्हें यहाँ पे असनाद से नवाजा गया, ट्रॉफी से नवाजा गया। इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता जी यहाँ पे हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था किस हवाले से। जी सर, आपका स्वागत शोम चैनल डोडा में। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम था 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे था। इससे पहले ये अमृत महोत्सव जो कि आज़ादी का 75वां वर्ष है, ये 15 अगस्त से बनाया जा रहा है और हम भी बीच बीच में सफाई के ताई ही ये प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन जो आज का था 2 अक्टूबर का, एक तो हमने अपने यहाँ सफाई कर्मचारियों को एप्रिशिएट करना था, दूसरा जो आज नारी शक्ति का भी एक प्रोग्राम था उनका भी आज दिन है और लाल बहादुर शास्त्री का भी दिन है। इसी के अब इसमें हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा था और आपको तकलीफ दी। तो सर वेद जी, एक ही सवाल होगा और क्योंकि आप भी कहीं जाने वाले हैं तो एक सवाल ये है कि जैसे कल भी कुछ खबरें बनी गई स्टेडियम में कि अभी भी अगर सफाई वगैरह सारा कुछ आप बता रहे हैं स्वच्छ भारत हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी पूरा मैनेज नहीं हो रहा है, इसका क्या रीज़न? देखिए, इसमें आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मेरे 17 वार्ड हैं, हमारे जितने म्यूनसिपल काउंसिल के 17 वार्ड हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी जो है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरे वार्डों की सफाई करते हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोग 9 बजे के बाद उठते हैं और बाज़ार में कूड़ा डाल देते हैं। देखिए, ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख लेंगे। पीछे रहा आपने सवाल किया स्टेडियम का, हमें जितने भी स्वच्छ भारत के ताई जितने भी बड़े बाथरूम हमें आए हैं, हमने ये सब के सब जो हैं हर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। ये काम देखना अब उनका है जो हमारे पास है, जैसे हमारे बस स्टैंड पे है, बस स्टैंड का हम देखते हैं और वहाँ जाके देखिए कि ऐसी कोई आपको वहाँ से कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट को जैसे स्कूल को दिया गया है, कॉलेज को दिए गए हैं, कई जगह ईदगाह पे दिया गया है, यहाँ रामलीला ग्राउंड को दिया गया है और गुरुद्वारा में दिया गया है, अब ये हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है, ये देखना उनका काम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से जो जानकारी दे रहे थे यहाँ पे वेद प्रकाश गुप्ता जी, इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मजीद मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर, तो फिर किस बात का है इंतजार, जल्दी से करिए रابطہ और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राबता इन नंबरात पर 9018533003 7006210346। फिर से एक बार सुनिए 9018533003 7006210346।